नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे कट कर लिया है। पूरी लंबाई 14.5 इंच रखी है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सोडा लिया है 6 इंच, आर मोल भी लिया है 6 इंच। गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। डीप नेक गले का ये डिजाइन है, डीप नेक राउंड गले का डिजाइन है। 33 साइज का बैक नेक ये डिजाइन बताएंगे। और जो गले की गहराई है 10.5 इंच लेंगे। 10.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से राउंड गले का पहले निशान यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह हमने राउंड गले का निशान बना दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ से लेंगे हम 1 इंच पूरी। यहाँ पर 12.5 इंच जो ये जो डिजाइन के लिए कट रखेंगे, तो पूरी ऊपर से शोल्डर से इसकी लंबाई 12.5 इंच ले लेना है। 10.5 इंच गला ले लिया है। उसके बाद ये यहाँ पर इतना कट आएगा। चौड़ाई इसकी हमने 1 इंच ली है। तो इस तरह से मार्क किया। उसके बाद बुकरम लेंगे और उसको फैला कर रखेंगे और बराबर से, जहाँ से देखिए गले के बिल्कुल बराबर से इसको मिलाना है। यहाँ पर एक लाइन इस तरह सीधी बना लेंगे ताकि जब इसे फोल्ड करें तो समझ में आता रहे। अब देखिए, इसको यहीं से इस तरह इसके ऊपर बना लेना है। अब इसको यहीं से इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है। उसके बाद दूसरी तरफ भी इस निशान को बनाएंगे। बाहर वाली साइड से जो स्ट्राइप से कट कर देंगे, 1 इंच चौड़ाई लेते हुए रख लेंगे। तो इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब अस्तर और कपड़े पर पहले सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई इस पर लगा ली है। उसके बाद जो कपड़ा जहाँ पर ज़्यादा आएगा उसे कट करके बराबर करेंगे। और कट करने के बाद इस तरह इसको बराबर से मोड़ना है और एक सीधा इस पर निशान इस तरह से बना देंगे। अब जो हमने गला कट किया है बुकरम के ऊपर, उसे कपड़े पर रख के पेस्ट कर देना है या तो एक सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद साइड से इस तरह कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई डाल देंगे ताकि बराबर से निशानों को मिलाते हुए हमने सीधी सिलाई डाल दी है। उसके बाद देखिए, इस तरह से सिलाइयाँ यहाँ से गले का ये निशान है और जो नीचे डिजाइन का है वहाँ से सिलाई इस पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट करना है। तो इस तरह से इसे कट करेंगे। अब हमें कट लगाने हैं, तो यहाँ पर 2 कट लगेंगे। उसके बाद पूरे ऊपर गले पर कट लगेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई बचाते हुए कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से देखिए, कट को लगा दिया है। अब पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है। तो अच्छे से यहाँ पर कपड़े को निकालते हुए पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे। पट्टी को पलटने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है। या तो आप प्रेस करते हैं इस पर तो इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी, या तो इस तरह से सिलाई लगा दें। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें डिजाइन बनाना है। उसके लिए हमने डोरी बना ली है। तो इसी कपड़े से हमने डोरी बना ली है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से नापेंगे इसे और जितनी बड़ी यहाँ पर लगेगी फिर उस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर आप 3-3 इंच की कट कर लेंगे तो आ जाएगी। 3 या 3.5 इंच की, थोड़ी सी बड़ी ही रखें तो 3.5 इंच की या 3 इंच की कट कर लेंगे तो आ जाएगी।
अब यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से इसे लगाना है। यहाँ पर इस तरह डोरियों को एक इसके अंदर से डालकर निकालेंगे। इस तरह से हमें लगाना है। पहले एक साइड की लगा लेंगे, चार डिजाइन इस पर आएंगी। जितनी इसकी लंबाई हमने रखी है कट की, उस पर चार डिजाइन आएंगी। तो लंबाई अपने हिसाब से, नीचे चाहे तो आधा इंच की ही पट्टी रखें और इसकी गहराई ले सकते हैं। हमने एक इंच की पट्टी रखी है नीचे की तरफ, बाकी में ये डिजाइन कट किया है। अब देखिए दूसरी तरफ से भी इस तरह से इसको अच्छे से बराबर से बनाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हमने दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इस डिजाइन को पूरा किया। अब लेंगे देखिए इस तरह से ढाई इंच का चौकोर डिजाइन के लिए, और ये वाली डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस डिजाइन पर हम लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये सिंपल कपड़े से ही ये डिजाइन बनेगा, क्योंकि इस पर लेस का कोई वर्क नहीं है, ऐसा गोल्डन वर्क नहीं है। सिर्फ इस पर हम गोल्डन मोती थोड़ी सी यूज करेंगे, या तो इस वाले कपड़े पर सफ़ेद कलर की भी मोतियाँ अच्छी लगेंगी, लेकिन हम यहाँ पर गोल्डन ही लगाएंगे। तो इस तरह देखिए गले पर डिजाइन हमें लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा देखिए गैप करते हुए लगाएंगे, बिल्कुल सटाकर नहीं लगाएंगे, दो दो पॉइंट की दूरी रखते हुए पूरे गले पर ये डिजाइन हमें लगानी है। और जहाँ से ये डोरी वाली डिजाइन है जो, वहाँ छोड़ देना है, वहाँ पर नहीं लगाएंगे। और उसके बाद पूरे गले पर ये डिजाइन इस तरह से दो दो पॉइंट का गैप देते हुए लगेगी। तो इस तरह हमने डिजाइने लगा ली है। डिजाइने लगाने के बाद अब हमें इसका जो प्लेट्स है वो बना देना है। तो प्लेट्स बना देंगे, उसके बाद इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगेगी। जो ये डोरी की डिजाइन ली है इसके दोनों साइड हम एक एक मोती लगा देंगे। तो गोल्डन हमने मोती ली है, ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नहीं लेंगे, इस तरह से लगा देंगे। ये हमने मोतियाँ लगा दी है, और इन डिजाइनों पर भी, गले वाली डिजाइन पर भी मोतियाँ लगा दी है। प्लेट्स पहले ही बना दिया था। तो इस तरह हमारा डिजाइन बनके तैयार हुआ। गले पर डोरी लगा देंगे। तो ये लटकन इस पर हमने बनाई है, नीचे की तरफ से ये मोती वाला लेस लगाया है। तो इस तरह लटकन बनाकर लगा देंगे डोरी पर। तो डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।